Terima kasih. Danu. अब देखिए अपने सवाल नंबर 3 है अपने 12.3 का, आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। छायांकित भाग ये है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी भुजा 14 सेमी है, यानी ए बी सी डी भुजा 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये वर्ग है। क्या है? क्या है? लेकिन वर्ग के अंदर क्या किया आपने, ये भुजा 14 सेमी, लेकिन ये एक आधा वर्ग इधर काट दिया और आधा वर्ग इधर काट दिया, बीच में ये भाग काला कर दिया। अब वो कहता है काले भाग का क्षेत्रफल बताओ, काले भाग का क्षेत्रफल बताओ, काले भाग का क्षेत्र, काले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा? वर्ग के। किसका? वर्ग का, ठीक है। अपने सबसे पहले ये पूरा वर्ग है ए बी सी डी, वर्ग है ना। सबसे पहले अपने करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितनी है? 14 × 14, 14 × 14 = 196। किसमें था ये? सेमी में। तो वर्ग है सेमी, वर्ग है। ये आ गया आपने इस पूरे का, यहां से लेके ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया, पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए ये है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के यहां बीच में यह होता है केंद्र। अगर ऐसे बनता ये तो यहां क्या होता? केंद्र होता ना। और केंद्र के एक तरफ जब मिलाते हैं तो वो होती है त्रिज्या। क्या होती है? तो इसका दोनों तरफ मिला हुआ है परिधि से, तो ये क्या है? इसका व्यास कितना है? अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 14 सेमी। कितना है? 14 सेमी। अब लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 सेमी, यानी यहां से लेके यहां तक पूरा 14 है। अपने को आधा चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो व्यास में 2 का भाग लगाते हैं, त्रिज्या आती है, आर बराबर कितना आ गया? 7 सेमी। कितना आ गया? तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 14/2, 7 × 14, 7 सेमी आ गई अर्धवृत्त की त्रिज्या। क्या आ गई? ठीक है। अपने को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। आधे वृत्त का करना है तो 1/2 कर दो, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आधे वृत्त का हो जाएगा। आधा ये पहले आधा कर लेते हैं अपने, यहां पी है तो ए पी डी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल 1/2, पाई का मान होता है 22/7, आर कितनी है इसकी? 7 × 7, यही है ना, 7 × 1 = 2 और 11 × 11 = 7 कितना हो गया? 77 वर्ग सेमी। ये तो इसका अकेले का आ गया 77 वर्ग सेमी, जितना ये है उतना ही ये है ना। तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का 2 × 77, 7 × 14, 7 × 14 और 1 है 154 वर्ग सेमी हो गया, हो गया ना। ये भाग तो काला नहीं है, काला तो ये है ना। टोटल कितना था ये? 196 वर्ग सेमी था ना। काला भाग कितना बच गया? इस 196 में से इन दोनों वर्तों का भाग घटा दो, ये आ जाएगा, आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा? तो
काला बाघ, काला बाघ या छायांकित बाघ कह सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का माइनस दोनों अर्ध वर्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 196, दोनों अर्ध वर्तों कितना है 154, 6 में से 4, 4 के कितने आ गए 2, 9 में से 5 के कितने आ गए 4, तो 42 वर्ग सेमी। यह आ गया इस छायांकित भाग का या काले भाग का, कह सकते हैं छायांकित भाग का या काले भाग का, कर सकते हैं, ठीक है।